बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज अपलोड कर लेते हैं 9 क्लास फिजिक्स की एमसीक्यूज का यूनिट नंबर 8। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसमें यूनिट नंबर 8 है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, द एस आई यूनिट ऑफ हीट इज। इस सवाल में कहते हैं कि एस आई निजाम में हरारत यानी हीट की इकाई कौन सी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए जूल, क्योंकि इसमें हमारे साथ किलोग्राम ये मास का यूनिट है और केल्विन ये टेम्परेचर का यूनिट है, तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द एस आई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। इस सवाल में कहते हैं कि एस आई निजाम में टेम्परेचर की इकाई कौन सी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी केल्विन। अगर गौर से देखा जाए यहाँ पर सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, केल्विन ये तीनों टेम्परेचर की स्केल्स है, लेकिन इसमें केल्विन जो है ये टेम्परेचर का बेसिक यूनिट है, तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द फारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल रीडिंग ऑफ टेम्परेचर कोइंसाइड्स एट। इस सवाल में कहते हैं कि फारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल रीडिंग जो है ये कौन से दर्जे पर कोइंसाइडेड यानी यकसा होते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी -40 डिग्री, यानी ये दोनों टेम्परेचर जो है -40 डिग्री पर यकसा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 310 केल्विन एन सेंटीग्रेड स्केल इज। इस सवाल में कहते हैं कि 310 केल्विन ये सेंटीग्रेड स्केल में किस वैल्यू के बराबर होता है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो है टेम्परेचर इज इक्वल टू 310 केल्विन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड स्केल, यानी यहाँ पर हमने क्या करना है, इस 310 केल्विन को हमने सेंटीग्रेड स्केल में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। एज वी नो दैट यहाँ पर इसका फॉर्मूला ये है, टी सी इज इक्वल टू टी के -273। यहाँ पर टी सी का मतलब है टेम्परेचर एन सेंटीग्रेड स्केल और टी के का यहाँ पर मतलब है टेम्परेचर एन केल्विन स्केल। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है, पुटिंग द वैल्यू यहाँ पर टी के यानी टेम्परेचर एन केल्विन स्केल यहाँ पर हमारे साथ बराबर है 310 के, तो यहाँ पर टी के की जगह आ जाएगा 310 -273। यहाँ पर बस आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है, यानी 310 से आपने 273 को सब्ट्रैक्ट करना है यानी मनपी करना है, तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हेन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड इट कॉन्ट्रैक्ट टिल टेम्परेचर रीचेज। इस सवाल में कहते हैं कि जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म यानी हीट किया जाता है तो ये सिकुड़ना शुरू कर देता है, तो ये किस टेम्परेचर पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि आम मायात यानी लिक्विड गर्म होने पर पेलते हैं जबकि ठंडा होने पर सुकड़ते हैं, लेकिन पानी का पेलाव दूसरी लिक्विड से मुख्तलिफ है। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पानी को गर्म किया जाए तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी पहले की बजाय सुखड़ता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पानी में पेलाव शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ जब गर्म पानी का टेम्परेचर गिरने लगता है तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक सुखड़ता है, यानी पानी का हजम कम हो जाता है। जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी का हजम बढ़ता है। यही वजह है
कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है तो उसका हजम पानी की हजम से ज्यादा होता है, लिहाजा बर्फ पानी से हल्की होती है और पानी की सतह पर तैर सकती है। पानी की इस अनोखी प्रॉपर्टी को पानी का बेकायदा फैलाव यानी एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज। इस सवाल में कहते हैं कि SI निजाम में स्पेसिफिक हीट की इकाई कौन सी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला हमारे साथ है, C इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाई मास मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T यानी टेम्परेचर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए डेल्टा Q ये हमारे साथ हीट को रिप्रेजेंट करता है, यानी यहाँ पर है यूनिट ऑफ हीट डिवाइडेड बाई M जो है यहाँ पर हमारे साथ यानी मास को रिप्रेजेंट करता है, यानी यूनिट ऑफ मास मल्टीप्लाई बाई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमारे साथ यूनिट ऑफ हीट जो है वो है जोल और यूनिट ऑफ मास ये हमारे साथ है किलोग्राम और टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। तो ये बन जाएगा जोल पर केजी पर केल्विन। प्यारे दोस्तों यहाँ पर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जोल पर केल्विन पर केजी, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ एक्सपोनेंट 1 है और इसके साथ भी मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर हम इसको नहीं लिखते हैं। तो जब इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट +1 है, जब ऊपर चला जाएगा तो ये -1 बन जाएगा और इसी तरह किलोग्राम में भी ये -1 बन जाएगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जूल पर केल्विन पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन इज। इस सवाल में कहते हैं कि लीनियर और वॉल्यूम एक्सपेंशन के दरमियान जो रिलेशन है वो नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गेमा इज इक्वल टू 3 अल्फा। यहाँ पर गेमा जो है ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है और अल्फा जो है ये लीनियर एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर गेमा हमारे साथ बराबर है 3 अल्फा की, यानी अल्फा जो है यानी लीनियर एक्सपेंशन में सिर्फ लेंथ में एक्सपेंशन होती है, मतलब इसमें सिर्फ एक किस्म की एक्सपेंशन होती है, जबकि गेमा यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन में 3 किस्म की एक्सपेंशन होती है, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट में। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द SI यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज। इस सवाल में कहते हैं SI निजाम में लेटेंट हीट की इकाई कौन सी है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यानी लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह है, लेटेंट हीट इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाई M। यहाँ पर डेल Q जो है ये हमारे साथ यानी एनर्जी को यानी हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर M जो है ये हमारे साथ मास को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हीट का यूनिट हमारे साथ है जोल और मास का यूनिट है हमारे साथ किलोग्राम। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा जोल पर किलोग्राम यानी जोल पर केजी। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जूल पर केजी। SI निजाम में लेटेंट ऑफ हीट की इकाई जूल फी किलोग्राम है, जिसको हम जूल पर केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट ऑफ 1 kg ऑफ जिंक एट इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर 240 डिग्री सेंटीग्रेड विद लेटेंट हीट ऑफ 113 मल्टीप्लाई बाई 10^3 जूल पर केजी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने हीट की मिकदार को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में हमारे साथ जो गिवन डेटा है वो है लेटेंट ऑफ हीट इज इक्वल टू 113 मल्टीप्लाई बाई 10^3 जूल पर केजी। इसमें हमारे साथ मास ऑफ जिंक ये बराबर है 1 kg के।
इस क्वेश्चन में हमारे साथ जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है हीट, इसको हमने फाइंड आउट करना है। यानी इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे साथ लेटेंट हीट जो है ये बराबर है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट, यहाँ पर आपने इस डेल्टा क्यू इसकी नीचे वन है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और लेटेंट हीट ये आपने मास के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसे जो नया रिजल्ट हासिल होगा वो कुछ इस तरह होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई लेटेंट हीट। तो यहाँ पर आपने बस सिंपल ये करना है, जो गिवन डेटा है हमारे साथ आपने ये इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो यहाँ पर मास हमारे साथ 1 kg के बराबर है मल्टीप्लाई बाई लेटेंट हीट, ये हमारे साथ बराबर है 113 मल्टीप्लाई बाई 10^3 जूल पर केजी। तो यहाँ पर बस आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि आपने इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इससे हमारे साथ जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 113 मल्टीप्लाई बाई 10^3 जूल। तो यहाँ पर इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाई 1 kg एज। इस सवाल में कहते हैं कि अगर हमारे पास 1 kg वाटर हो और इसका टेम्परेचर हमने 1 K बढ़ाना हो तो इसके लिए हमें कितनी हीट चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 4190 जूल, यानी इसके लिए हमें 4190 जूल एनर्जी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।